बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे पाकिस्तानियों और तमाम वो जो मेरे हम जुबान हैं, चाहे वो इंडिया से, श्रीलंका से या बांग्लादेश से हैं और इवन अफगानिस्तान। अभी का जो मेरा वीलॉग है, जैसे मैंने अपने टेक्नोलॉजी के बारे में बताया था कि मेरा एक हॉबी है, ड्रोन्स को इस्तेमाल करता हूँ, वीडियोज़ बनाता हूँ और मैं मुख्तलिफ कैमरेज वगैरह इस्तेमाल करता हूँ। तो आज मैं सबसे पहले आज जो है मैं आपको एक ऐसा कैमरा बताने जा रहा हूँ कि जो एक आप सब के लिए दी बेस्ट है। आप बाहर टूर पे जाते हो और कैमरे को पकड़ते हो तो वन डायरेक्शनल आप एक पिक्चर खींचते हो, लेकिन जो साइडों की पिक्चर्स होती हैं वो आपको साइडवर्ड ही नज़र आती हैं। आप उसको टर्न करके, फ़ोटो को टर्न करके नहीं दे सकते। तो अगर आपको याद होगा कि देखा होगा कि गूगल मैप्स जो हैं या जो 3D मैप्स जो बनाते हैं गूगल वाले, तो आप उसको देखते हो और उसमें बिल्डिंग्स वगैरह 3D में नज़र आती है। एक अभी मेरे पास गूगल ने वो कैमरा निकाला था, उसको कहते हैं 360 डिग्री, यानी कि जैसे ग्लोब होता है गोल बिल्कुल, यानी कि आप कैमरे को पकड़ लेते हो तो वो चारों तरफ से, ज़मीन से आसमान और राइट से लेफ्ट, चारों तरफ आपके ना वो वीडियो बनाता है। और उस वीडियो के अंदर आप जैसे चाहो आप, यानी कि अगर आप साइड पूरी राइट साइड देखना चाहते हो, पूरी राइट साइड को टर्न कर लें उस तस्वीर को, वो आपको राइट साइड दिखाता जाएगा। लेफ्ट साइड से टर्न करो तो लेफ्ट साइड दिखाता जाएगा, टॉप से करो तो टॉप से। अभी मैंने जो रिसेंटली अपने यूट्यूब के ऊपर अपनी वीडियो भी, जो स्नो में अपने इस व्हील चेयर के ऊपर मैं स्नो में चल रहा हूँ, तो वो मैंने उसी कैमरे से बनाई है। तो वो कैमरा है GoPro 360 डिग्री। ये 5.3K है और 24 मेगापिक्सल ये तस्वीरें भी खींचता है साथ। तो सबसे बेस्ट इसका ही एक्शन कैमरा कहलाता है। तो ये मैं आपको सबसे पहले आज वो दिखाता हूँ। ये इस तरह पैकिंग में आता है इसका, और ये इसके साथ कनेक्टिंग राड है, ये GoPro सीरीज का है। और इसको अगर आप खोलेंगे तो ये आपको अंदर से कैमरा निकल आएगा। ये कैमरा है, ये देखिए इसके दोनों साइडों पे एक टिल्टेड बाहर निकला हुआ कन्वेक्स, जो जिसको लेंस कहते हैं, उस टाइप के हैं दोनों तरफ से, यानी कि ये हाफ 180 ये बनाता है और 180 ये बनाता है। तो अभी इसको मैं आपको इसके सारे इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। और इसके अंदर याद रखिएगा कि आप 256 के दो SD कार्ड डाल सकते हैं, और एक वक्त में दो कार्ड ये मांगता है। लेकिन याद रखिएगा कार्ड एक ही टाइप के होने चाहिए और एक ही किस्म होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि एक कंपनी के, फर्ज करो एक 256 है और दूसरा 128 है, वो भी नहीं, दोनों होंगे 128 के होंगे, इसी कंपनी के होंगे और उसी टाइप के होंगे। सेम वे 256 है वो भी उसी टाइप का, 64 है उसी टाइप, यानी कहने का मतलब कि एब्सोल्युटली मैचिंग पेयर, ठीक है, उस हिसाब से होगा। तो ये इसको, ये साइड से इसकी ओपनिंग है जिससे आप खोल के इसके अंदर आप चार्जिंग वगैरह कर सकते हैं। इसको प्रेस करके ऊपर ले जाएंगे तो आप इसको, लेकिन याद रखिएगा कि ये बड़ा नाजुक होता है, ये टूट भी जाता है। अब देखिए इसके अंदर आपको ये नज़र आएगा चार्जिंग के लिए, आप और या कनेक्टर आप लगा सकते हैं उसके साथ, कंप्यूटर के साथ। और इसी तरह दूसरे साइड पे अगर आएंगे तो ये इसकी ओपनिंग है, इसको आप प्रेस करके नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो ये आपको सारा वो दिखाएगा। इसको पहले मैं घुमाऊंगा, ये इसने अभी पूरा, क्योंकि ये स्क्रू आया हुआ है आगे तो इस वजह से ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। इसको मैं पहले इसको उलाग कर लेता हूँ, उसके बाद दिखाता हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, मेरे लिए भी इजी हो जाएगा, क्योंकि ये जो ये स्क्रू है ना, इसको जब जोड़ा हुआ है तो फिर वो खुलने नहीं देता। अभी देखिए मैं इसको अलग कर लिया, अभी ये आपको इसका पूरा दिखाऊंगा। इसको स्लाइड करके नीचे करेंगे ये खुल जाएगा। अब देखिए इसके अंदर ये बैटरी है, और बैटरी के बिल्कुल एक SD कार्ड है और एक ये SD कार्ड है, दोनों के साइडों पर SD कार्ड आप डालते हो और उसके बाद फिर इसको बंद कर देते हो। एक बैटरी जो है वो 180 मिनट चलती है अगर आप वीडियो पे चलाएं। अगर आप सिर्फ फोटोग्राफी करेंगे तो ऑलमोस्ट ये 220-210 तक ये चल जाती है। और इसमें याद रखिएगा कि इसके अंदर 3D ही वॉइस भी आती है। अगर आप रास्ते में जा रहे हो तो सिर्फ आपकी आवाज़ ही नहीं रिकॉर्ड करेगा, चारों तरफ की जो आवाज़ है वो रिकॉर्ड करेगा।
अभी मैं इसको आपको ऑन करके दिखाऊंगा कि यही जो ऊपर ओपनिंग थी उसकी चार्जिंग और इसकी कनेक्टर की चार्जिंग की, उसी के नीचे इसका पावर बटन है। इसको आप प्रेस करेंगे और ये ऑन हो जाएगा और उसमें लाइट इसकी ऑन हो गई। अभी ये आप देखिए, ठीक है, इसको कहते हैं GoPro Fusion 360। आप देखिए ये अभी ऑन हो गया, ठीक है। अभी इसी के अंदर अगर आप इसका मेन्यू चेंज करना चाहते हैं तो इसी बटन को दबाएंगे या अब मेन्यू चेंज हो गया। ये देखें, एक दो, ये आपकी सेटिंग आ गई, ठीक है। इसी तरह आप कैमरे पे चले जाते हैं, जैसे भी चाहें आप कहें इसको प्रेस करें, यानी कि इसमें आ गए। अब देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले ऊपर क्या है, नीचे क्या है। ये देखें 5.2K की बता रहा है, यानी कि कोई भी आप चेंज करना चाहते हैं इसी को प्रेस करके उसके नीचे आ जाते हैं, ये उसको ऑन कर लेते हैं और उसमें चेंज करते जाते हैं। इसके नीचे आता है, ये नीचे आ गए, इसको जो भी चेंज करना चाहते हैं चेंज करके इसको ओके करेंगे और वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब बात ये होती है कि अगर आप कोई भी वीडियो बनाना चाहेंगे, कोई भी, तो आप इसको जो आप कनेक्टिंग रॉड इसके साथ मिला हुआ है कनेक्टर, ठीक है, इसको आप टर्न करेंगे खुल जाएगा। और ये बिल्कुल यानी कि एंटेना टाइप ही है और इसको आप करके लॉक कर लेंगे। आप अगर लंबा करके चलाना चाहते हैं इसको, इसी तरह रॉड को पकड़ के ऐसे जैसे मर्जी रख लें, ऐसे रख लें, ऐसे रख लें, वीडियो ये चारों तरफ बनाएगा। ये ज़रूरी नहीं कि आप इस पोजीशन में रखें, ज़रूरी नहीं कि आप इस पोजीशन में रखें, बस इसको आप पकड़ लें। याद रखें कि ये रॉड की फ़ोटो नहीं बनाएगा, ये कन्फर्म है। ये जो रॉड है इसकी, उस ग्लोब की जो पिक्चर है उसके अंदर वो नहीं आएगा, आए वो सिर्फ चारों तरफ से आपकी पिक्चर बना के आपको देगा कि जो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसी तरह इसकी जो एक एप्लीकेशन है जो आप मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हो, चाहे एंड्रॉयड है या आपका आईफोन है, तो उसको कहते हैं क्विक, यानी कि GoPro क्विक जो है वो एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे तो उसमें क्या है कि आपका ये पूरा जो भी आपने इसमें रिकॉर्ड कराया है वो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो आपके SD कार्ड्स हैं दोनों को आप क्लियर कर सकते हैं ताकि आप दोबारा इसको काबिल इस्तेमाल कर सकें। इसमें एक जो चीज़ एक याद करने वाली है कि अगर इस माइनस टेम्परेचर आपका फर्ज करें माइनस अबव 50 है तो फिर आप इसको इस्तेमाल ना करें, वरना नहीं तो फिर यह है कि इसका ख़राबी होने का अंदेशा है। अदरवाइज वैसे ये वाटरप्रूफ है, यानी कि अगर बारिश भी हो रही है तो आप बेशक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी कोई नहीं है। नॉर्मली मैं तो ऐसे छोटा सा बस इसको पकड़ लेता हूँ, ऐसे रखा और ड्राइव, यानी कि अपने व्हील चेयर है मैं उसको चलाता जाता हूँ, साथ ये वीडियो बनाता जाता है। फिर उसके बाद मैं घर में आके वही एप्लीकेशन जो है उसके थ्रू, अगर फ़र्ज़ करें मैंने इस डायरेक्शन की बनानी है जिसमें मेरा फेस भी नज़र आता रहे और सिर्फ बैक नज़र आए, तो मैं कैसे ड्राइव कर रहा हूँ वो नज़र आता रहेगा। फ़र्ज़ करें मैं सिर्फ अपनी बैक दिखाना चाहता हूँ और फ्रंट दिखाना चाहता हूँ, उसी हिसाब से उसको रोटेट करूँगा, वो उसी तरह वो दिखाएगा। साइड दिखाना चाहता हूँ उसी, यानी कि आप अभी मेरे यहाँ गूगल बोल रहा है, गूगल का नाम लिया तो उसने साथ ही उसने मुझे टाइम बता दिया। तो अभी बात यह है कि इसके अंदर आप याद रखिएगा कि किसी भी डायरेक्शन की आप वीडियो चाहते हैं तो उस एप्लीकेशन के थ्रू उसको कहेंगे इस डायरेक्शन की वीडियो और आपको उसी तरह की वो वीडियो क्रिएट करके दे देगा जो कि आप YouTube के ऊपर अपलोड कर सकते हो। जैसे मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है, उसमें दो मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, एक वीडियो मेरी फ्रंट की है और एक मेरी वीडियो बैक की है। अभी मैं कल उसी को साइडों की भी वीडियो बनाऊंगा उसी को। आप देखिए 6.5 मिनट की वीडियो है, लेकिन 6.5 मिनट की वीडियो को आप 360 डिग्री में जब कन्वर्ट करते हो तो आपको कितनी वीडियोज़ बन जाती हैं। तो ये इस कैमरे की खूबी है, कोई तरह का कोई सीन नहीं मिस करने देता। आप एक इस तरफ देखते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आपको वैसे ही नहीं पता कि आपके पीछे क्या हो रहा है, आपको ये भी नहीं पता कि साइड पे हो क्या हो रहा है, लेकिन कैमरे को पता चल रहा होता है कि फ्रंट पे क्या है और रियर पे क्या है। तो इसलिए आपका कोई भी किसी किस्म का भी जो होता है ना सीन, वो ख़त्म नहीं हो सकता। अभी इसकी अभी देखिए, अगर आप किसी कहीं सी जगह उसको फिक्स करना चाहें, फिक्स भी कर दें, आप बिल्कुल हाथ छोड़ दें उसको, बस ऑन करना है आपने उसी हिसाब से। इसी तरह आपकी गाड़ी है, गाड़ी के अंदर आप फर्ज कर ट्रैवल कर रहे हैं, आपके जो डैशबोर्ड है, ठीक है, डैशबोर्ड के ऊपर जो आपका मिरर है उसके पीछे, उसके ऊपर नीचे ये लगा दें,
क्या होगा कि फ्रंट जो आपकी ट्रैफिक है उसकी भी वीडियो बना रहा है, साइड्स की भी बना रहा है, और आपके बैक पे भी बना रहा है, प्लस आपके जो पैसेंजर है उनकी भी बन रही है। यानी कि आपको कोई किसी किस्म का ये नहीं है दो कैमरे इस्तेमाल करें, चार कैमरे कर रहे हैं, यानी कि यही बिल्ट इन 360 का मतलब यही है कि चारों तरफ, ठीक है। 360 ऐसे नहीं, ये 360 ऐसे भी है, ऐसे भी है, यानी कि जस्ट लाइक ए ग्लोब, एक गेंद जो होती है ना, गेंद, गेंद के अंदर जैसे आप अपने मरकज में, अपने आप को गेंद के मरकज में चले जाए तो चारों तरफ आपको जैसे गुलाई नजर आएगी, सेम ही ये वो उसी हिसाब से रिकॉर्डिंग करता है। और उसकी फिर वीडियो जो है 5.3K, इट इज मोर देन सफिशिएंट। यानी कि आपके जो आजकल के जो सॉफ्टवेयर भी हैं वो भी 4K तक है, लेकिन ये 5.3K की बनाता है, जिसके अंदर आपकी रेजोल्यूशन भी वो बहुत हाई होता है। तो इसके लिए मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा, जो भी स्पेशली पाकिस्तान के अंदर टूर्स पे जाते हैं तो जाएगा, कितने सारे कैमरे लेके जाएंगे, काफी सारी सामान उठाया होगा, चार्जिंग वो एक ही ये काफी है, आप इसको साथ ले जा सकते हो। अभी मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के अंदर इसकी क्या प्राइस है, लेकिन नॉर्वे के अंदर इसकी तकरीबन 8500 के करीब इसकी 8500 क्रोन्स के करीब इसकी प्राइस है। लेकिन मैं कहता हूँ प्राइस को छोड़े, जो ये आपको रिजल्ट देता है, दैट इज अ मार्वलस, दैट इज द बेस्ट। So I recommend you to buy this and enjoy your life with all type of actions and all type of photographs. मैं मजदूर हूँ, by God जब से ये लिया मुझे अपने में मजदूरी नहीं समझता। क्यों? मैंने पकड़ा है, बस बैठा हूँ, आराम से enjoy करता जा रहा हूँ, घूमता जा रहा हूँ। आई डोंट फील कि मैं वही, यानी कि जैसे तो दुनिया में आ जाता, इंसान आ जाता है, एक व्हील चेयर पर बैठा हो, एक घूमता जा रहा हूँ, तो सैर तफरी करता हूँ, और कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई किसी किस्म की चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे होते हो। ये छोटी सी जिंदगी है, एंजॉय कीजिए, अपने साथियों को एंजॉय कराइए, अपने बच्चों को एंजॉय कराइए, अच्छे अच्छे सीन रिकॉर्ड कराइए, तो ये आपके लिए बेस्ट है। तो आज के लिए अभी इसके लिए इतना ही काफ़ी, और इजाज़त दीजिए। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।